हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी ट्यूब फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महबूबा ने बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी निशाने पर ले लिया। पीडीपी नेता ने मुगलों के बहाने सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग बार बार मुगलों की बात करते हैं, वो लोग मुगलों की औलाद लगते हैं, क्योंकि बाप दादाओं की सबसे ज्यादा बात तो औलाद ही कर सकती है। महबूबा ने साथ ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये लोग मुगलों पर उतर जाते हैं और उनका जिक्र करने लगते हैं। इस देश का मुसलमान मुगलों की बात नहीं करता, लेकिन जितना ये लोग करते हैं ऐसा लगता है जैसे ये उन्हीं की औलादें हैं। मुफ्ती ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप एक बात बताइए, बाप दादाओं की सबसे ज्यादा बात कौन करता है? जो औलाद होती है, वही ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी मुगलों की औलाद है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से हाल ही में कई नेताओं ने मुगलों को लेकर बयान दिए थे। उसी को लेकर पूर्वी सीएम ने तंज कसा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के घरों और कारोबार को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास हो रहा है कि आर्टिकल 370 कैसे उनके लिए सुरक्षा कवच था। उन्होंने साल 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी से गठबंधन करने के उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद के फैसले का भी बचाव किया। आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि जब इसे हटाने का फैसला लिया गया तो कुछ लोगों ने सोचा कि यह केवल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रभावित करेगा, लेकिन जब बुलडोजर हमारे घरों, कारोबार और यहां तक मवेशियों के बाड़े को गिराने आए, तब लोगों को एहसास हुआ कि आर्टिकल 370 हमारे लिए कितनी बड़ी सुरक्षा थी। महबूबा ने कहा कि मुफ्ती साहब ने भाजपा का हाथ पकड़ा ताकि उन्हें रोका जा सके। एक साल तक मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री थे और 2 साल तक मैं मुख्यमंत्री रही। हमने अपना एजेंडा लागू किया, जम्मू कश्मीर का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ केंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर उन्होंने कहा कि घाटी को मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, हम जम्मू और कश्मीर के लोग हैं। हमें एक साथ तूफान से लड़ने की जरूरत है। अगर किसी हिंदू का घर तोड़ा जाता है तो पीडीपी को सबसे पहले मौके पर पहुंचना चाहिए। देश को बचाने का बदलाव घाटी से शुरू होना चाहिए। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो बदलाव की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। दोस्तों, आप बताइए आपको ये खबर कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल वी ट्यूब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।